अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से। मैं यहाँ करने लगी हूँ क्लीनिंग। क्लीनिंग में मैंने ये टिप देखी थी, कह दो या ट्रिक कह दो, ये मैंने देखी थी तो मुझे बहुत दिल था कि मैं ये यूज़ करूँ। फाइनली मैं ये यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी काम आई। फटाफट से सारे काम करते हुए ये भी काम कर रही थी मैं। हम लोग उठ गए थे रात के साढ़े चार बजे, क्योंकि नहीं अभी भी उठ गई थी, रोने लगी थी, बहुत ज़िद कर रही थी, तो बच्चे भी एक के पीछे एक फिर उठ ही गए। और अच्छा हुआ कि छुट्टी वाला दिन था तो बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने वनीला एसेंस थोड़ा सा वेट टिश्यू पे डाला और सारा फ्रिज मैंने फिर उससे वाइप किया है। और अभी ये दूसरा दिन है फ्रिज का, फ्रिज साफ़ करके अभी तक स्मेल आ रही है, इट मींस इट वर्क। और ये बजे हैं सुबह के 7:15। फ्रिज का कंप्लीट करके मैं चूल्हे में आ गई थी। इस तरह मेरा काम दोपहर तक चलते रहा, यानी 1:30-2 बजे तक चलते रहा काम। और सारे ही कबर्ड्स मैंने क्लीन किए, सारे कंटेनर्स क्लीन किए, अल्हम्दुलिल्लाह उतने गंदे नहीं थे जितना मैं सोच रही थी। फिर ऊपर के कबर्ड्स भी मैंने क्लीन किए प्लेटफॉर्म पे चढ़ के।
जब हाफ कुक हो जाए प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्की सी, तो इसमें ऐड किए हैं टमाटर और ऐड किए हैं बेसिक से मसाले, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट। एक स्मूथ सी ग्रेवी बनाऊंगी और मुझे आज जल्दी से ख़त्म करने थे, किचन क्लोज़ करना था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाथ काम करने के लिए बिल्कुल भी हाथ नहीं हो रहा था। तो यहाँ आ गई है ज़ैनब, थोड़ी सी कुकिंग कर रही हैं और मैं अब यहाँ डालूंगी ज्वारी की रोटियाँ क्योंकि हस्बैंड खाते हैं, हस्बैंड और मैं खाते हैं और बच्चे खाएंगे राइस। वैसे पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ तो वो भी सुन लीजिएगा। और ज्वारी की रोटियाँ बड़ी मुझसे बनती नहीं हैं, छोटी ही सही बनने लगी है। और यहाँ देखिए टूट भी गई है रोटी और बहुत मुश्किल से सीखा है मैंने ज्वारी की रोटी बनाना, जब जाकर हस्बैंड को पसंद आने लगी है। और ये बन गई थी हमारी ग्रेवी। आप इसको बिल्कुल भी मैशी सा बना सकती हैं बट मुझे थोड़े से जंक्स अच्छे लगते हैं तो फिर मैंने इसको ऐसे ही जंक्स टाइप रखा। और दाल भी गल के मैं पलटा दूंगी, दाल अच्छे से मिक्स करूंगी और डिश आउट करूंगी। मेरी भी बहुत बिज़ी रूटीन होती है क्योंकि बच्चे हैं घर पर, एक नहीं बल्कि चार है, और हस्बैंड भी घर का ही खाना पसंद करते हैं। तकरीबन सारी ही चीज़ें कुकिंग हो या फिर घर पे मसाले बनाना हो तो काम बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं काम टाइम नहीं रहने के वजह से मैं क्विक एंड फिक्स वाले खाने ही ज़्यादा बना लेती हूँ, शॉर्टकट वाले। और मैंने अभी इसमें ऐड किया है किचन किंग मसाला जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप लोग ज़रूर यूज़ करना। अगर नहीं तो फिर घर का सिंपल सा गरम मसाला दम पेस्ट को ऐड कर देना, इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। और आप थोड़ा सा इसको यह कि निखारना चाहते हैं करी को तो आप डिश आउट करने से पहले घी या फिर एक पीस छोटा बटर का इसमें रख के फिर डिश आउट कर लेना। वीडियो की एंड होने लगी है, अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन दुआएं ख़ास तौर पर कबूल की जाती है जिनके कबूल होने में कोई शक नहीं, औलाद के हक़ में बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ। सुभानअल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरी वन, अल्लाह हाफिज़।